सब्सक्राइब कीजिए घरेलू हेल्थ यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट हेल्थ वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारा हिंदी हेल्थ यूट्यूब चैनल घरेलू हेल्थ में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा गर्मियों में घमोड़ियों से छुटकारा पाने के लिए 5 आसान और कारगर घरेलू उपायों के बारे में। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको इस विषय में पूरा जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। गर्मी के दिनों में त्वचा की कुछ समस्याएं आम हैं, जिनमें घमोड़ियाँ भी शामिल है। घमोड़ियाँ ना केवल खुजली और जलन पैदा करती है, बल्कि आपकी त्वचा को भी काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं घमोड़ियों से निजात पाने के 5 आसान और कारगर घरेलू उपायों के बारे में। उपाय नंबर 1, मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी को पानी में गलाकर लेप तैयार कर ले और इसे घमोड़ियों वाली जगह पर लगाएं। इससे आपको ठंडक भी मिलेगा और घमोड़ियों से निजात भी मिलेगा। दूसरा उपाय, नीम। नीम की पत्तियों को पानी में उबलकर इस पानी से नहाना तो फायदेमंद होगा ही, इन्हें पीसकर बनाए गए लेप का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। इससे जल्द ही घमोड़ियाँ गायब हो जाएंगे। उपाय नंबर 3, बर्फ। घमोड़ियों वाली जगह पर बर्फ को एक कपड़े में लपेटकर मसाज करें। इससे त्वचा पर ठंडक मिलेगी और गर्मी कम होने से खुद ब खुद घमोड़ियाँ कम होने लगेगी। उपाय नंबर 4, एलोवेरा। एलोवेरा का गुदा निकालकर घमोड़ियों वाली जगह पर लगाएं और सूखने के बाद इसे धो लें। ये आपकी त्वचा को ठंडक देने के साथ ही त्वचा को मुलायम बनाएगा और घमोड़ियाँ भी गायब हो जाएगी। उपाय नंबर 5, चंदन। चंदन का लेप बनाकर घमोड़ियों वाली जगह पर लगाएं। ये एक बेहतरीन विकल्प है जो घमोड़ियों को दूर करके त्वचा को भी खूबसूरत बनाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा इस वीडियो अच्छा लगे है। अगर आपको हमारा इस वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा इस यूट्यूब चैनल घरेलू हेल्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले और भी वीडियोस के अपडेट्स आपको जल्दी मिल सके। तो दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर।